आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समा। से पहले इस धरती पर कोई मुसलमान नहीं था, ईसा मसीह से पहले कोई ईसाई नहीं था, ऋषभदेव से पहले कोई जैनी नहीं था, महात्मा गौतम बुद्ध से पहले कोई बौद्ध नहीं था, लेनिन से पहले कोई कम्युनिस्ट नहीं था और इब्राहिम से पहले कोई यहूदी नहीं था। बस यही अंतर होता है धर्म और मजहब में, धर्म और पंथ में, धर्म और संप्रदाय में। क्योंकि संप्रदाय किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया गया होता है, लेकिन धर्म किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं चलाया गया होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वर्तमान समय में आज धर्म शब्द संप्रदायों के लिए भी प्रयोग होने लगा है। लेकिन याद रखिए, संप्रदाय कदापि धर्म नहीं हो सकता। संप्रदाय संप्रदाय ही रहेगा, धर्म धर्म ही रहेगा, क्योंकि धर्म किसी व्यक्ति के द्वारा प्रवर्तित नहीं होता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि इस्लाम धर्म किसने चलाया, आप कहते हैं मोहम्मद साहब ने चलाया। क्रिश्चियनिटी किसने चलाई, ईसा मसीह ने चलाई। बौद्ध धर्म किसने चलाया, गौतम बुद्ध ने। जैन धर्म किसने चलाया, महावीर स्वामी ने चलाया। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि सनातन धर्म किसने चलाया, आपके पास कोई जवाब नहीं होता। बस यही अंतर है, हमारा जो सनातन धर्म है वास्तव में धर्म तो वही है, वास्तव में धर्म तो एक ही है, वास्तव में धर्म तो सनातन ही है। बाकी जितने भी हैं, आज हम चाहे उनके लिए धर्म शब्द प्रयोग कर रहे हैं, चाहे हम बोल रहे हैं कि इस्लाम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियनिटी धर्म, इन संप्रदायों के लिए चाहे हम धर्म शब्द भले ही प्रयोग कर रहे हों, लेकिन ये संप्रदाय हैं, धर्म कदापि नहीं है। धर्म तो धरती पर एक ही है, धर्म तो धरती पर सनातन ही है, और वो सनातन इसलिए है कि सनातन किसी व्यक्ति के द्वारा प्रवर्तित नहीं है। सनातन धर्म किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया, ये तो सनातन से है, हमेशा से है, जब से सृष्टि बनी है तब से और आज तक चल रहा है। लगभग 2000 वर्ष प्राचीन हमारा ये सनातन धर्म है। बस यही धर्म और संप्रदाय में अंतर होता है। धर्म सार्वभौमिक होता है, सार्वकालिक होता है। धर्म के अंदर किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी वर्ग विशेष के लिए अलग से कोई बात नहीं होती, पक्षपात की कोई दृष्टि नहीं होती। लेकिन जितने भी ये संप्रदाय हैं, सारे के सारे संप्रदाय पक्षपाती होते हैं, और एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को नहीं देखना चाहता। हर एक संप्रदाय अपने संप्रदाय, अपने संप्रदाय को मानने वाले लोगों की कल्याण की कामना करता है। जैसे आप लोग जानते हैं, वर्तमान समय में इस्लाम है, इस्लामिक संप्रदाय है, इस्लामिक पंथ है जो मोहम्मद साहब ने चलाया। कोई भी मुसलमान, इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति दूसरे वर्ग के व्यक्ति के लिए कल्याण की कामना नहीं करता है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि धरती पर इस्लाम को मानने वाले लोगों को छोड़कर के बाकी को धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति मोहम्मद साहब और इस्लाम पर यकीन नहीं करते, आस्था नहीं रखते, वो सारे के सारे काफिर हैं, और काफिरों को काट देना चाहिए, काफिरों को मार देना चाहिए, यहाँ तक कुरान में कहा गया है। आप देखिए, जितने भी संप्रदाय हैं, ये संप्रदाय दूसरे की कल्याण की बात नहीं करते हैं, लेकिन जो धर्म होता है वो सर्व कल्याण की बात करता है। हमारा सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी हो, सबका मंगल हो, ये मंगल की कामना केवल धर्म ही कर सकता है। इसलिए सनातन धर्म है, बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे संप्रदाय हैं। सनातन धर्म तो पूरी तरह से लॉजिकल है, साइंटिफिक है, पूरी तरह से प्रामाणिक है। लेकिन आप लोग जानते हैं, जितने संप्रदाय हैं इनमें बहुत सारी बातें तो वैसी हैं जो तर्क, प्रमाण और बुद्धि के विपरीत होती हैं, जो साइंस के विपरीत होती हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म में जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर के आज तक कोई एक भी न्यूनता नहीं दिखा पाया। ये धर्म का स्वरूप होता है। धर्म में कोई कमी नहीं होती, क्योंकि धर्म साक्षात ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है। ईश्वर का ज्ञान पूर्ण होता है, ईश्वर एक रस है, उसके ज्ञान में कोई वृद्धि और कमी नहीं होती। इसलिए हमारे सनातन धर्म में किसी भी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं है, कोई कमी नहीं है। लेकिन बाकी जितने भी मजहब चले हैं, आज मैं कुरान की बात करूँ, आज जग जाहिर ये बात हो चुकी है, कुरान के अंदर पहले 17,000 आयतें थी, लेकिन आज घटते घटते 6,666 आयतें हैं। आप सोचिए, पहले उस संप्रदाय का कितना बड़ा रूप हुआ करता था, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जो विज्ञान के विपरीत थी, जो मानवता के खिलाफ थी। हालांकि आज भी मानवता के खिलाफ बहुत सारी बातें उसके अंदर लिखी गई हैं, संप्रदाय ग्रंथों में बहुत सारी बातें ऐसी आपको मिल जाएंगी, लेकिन हमारे सनातन धर्म के अंदर एक भी आज तक कोई भी वेदों पर उंगली नहीं उठा पाया। हमारे सनातन धर्म पर आज तक कोई आक्षेप नहीं कर पाया, क्योंकि हमारा सनातन धर्म सबके कल्याण की बात करता है, सबके भले की बात करता है। यही अंतर होता है। वेद ही, वेदोक्त ही तो धर्म है, और जो वेद का संदेश था उसको हमारे ऋषियों ने कहा, श्रूयताम धर्म सर्वस्तम श्रुत्वा चैव धार्यताम,
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। धर्म का सार हमारे ऋषियों ने बताया, जो व्यवहार आपको अपनी आत्मा के प्रतिकूल लगता है वो व्यवहार आप दूसरे के साथ मत कीजिए। धर्म का कितना व्यावहारिक, कितना सुंदर, कितना सरल रूप हमारे ऋषियों ने हमको दिया है। जैसा व्यवहार हम अपने साथ चाहते हैं वैसा व्यवहार ही हम दूसरे के साथ करें, यह धर्म है। इस्लाम धर्म नहीं है, बौद्ध धर्म नहीं है, क्रिश्चियनिटी धर्म नहीं है। धर्म का सही स्वरूप आप जानना चाहते हो तो याद रखो, जैसा व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं, और ये सिद्धांत केवल मनुष्य के लिए नहीं, ये सिद्धांत जीव मात्र के लिए है। जिस प्रकार से अगर हमको कोई कष्ट देता है तो हमको पीड़ा होती है, हमको कोई मारता है तो हमको पीड़ा होती है, हमको कोई गाली देता है तो हमको पीड़ा होती है, लेकिन बहुत से धर्मों में, बहुत से पंथों में बलि का विधान है। आप सोचिए, यदि हमारी कोई उंगली को काटने लग जाएगा तो हमको कितनी पीड़ा होगी। हमको अपनी पीड़ा का तो पता है, अपनी पीड़ा का तो भान है, लेकिन जब किसी जीव की बलि दी जाती है तो क्या उसको पीड़ा नहीं होगी? ये धर्म का स्वरूप कदापि नहीं हो सकता, ये संप्रदायों का स्वरूप हो सकता है, और इन संप्रदायों ने आज समाज को बांट दिया है। धर्म समाज को जोड़ता है और संप्रदाय समाज को तोड़ते हैं। आज समाज जो टूट गया है वो संप्रदायों की बदौलत टूटा है। इसलिए याद रखिए कि आप धर्म से जुड़िए, संप्रदाय नहीं। संप्रदाय तो समाज को बांटते हैं, और याद रखिएगा, अगर धर्म भी समाज को बांटने की बात करता है तो फिर वो धर्म धर्म नहीं है। आज बहुत सारे लोग इस बात को भी कहते हैं कि आपके सनातन धर्म के अंदर भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एक वर्ग को दूसरे वर्ग से काटती हैं। याद रखिए, वो हमारे सनातन धर्म का अंश नहीं है, वो विदेशियों के द्वारा, विधर्मियों के द्वारा हमारे सनातन धर्म में डाले गए प्रक्षेप के अंश हैं। हमारे सनातन धर्म में की हुई मिलावट है। हमारा सनातन धर्म तो पूरी तरह से प्रामाणिक है, पूरी तरह से लॉजिकल है, पूरी तरह से साइंटिफिक है। उसमें कैसी भी किसी प्रकार की कोई भी न्यूनता नहीं है, आज भी नहीं है, आगे भी नहीं हो सकती, क्योंकि धर्म ईश्वर के प्रदत्त होता है, ईश्वर के द्वारा चलाया गया होता है। यहाँ किसी व्यक्ति ने सनातन धर्म नहीं चलाया। हाँ, उसमें जो प्रक्षेप का अंश है, निश्चित मानिएगा, वो प्रक्षेप का अंश सनातन धर्म का भाग नहीं हो सकता, वो प्रक्षेप है और दूसरे लोगों के द्वारा डाला गया है। धर्म तो बिल्कुल पावन गंगाजल जैसा है, हमारा सनातन धर्म तो माँ गंगा जैसा है। जैसे आप लोग देखते हैं गंगा कितनी पवित्र होती है, कितनी निर्मल होती है, हम उसका आचमन करते हैं, इतनी पवित्र होती है। जब गंगा गंगोत्री से जब निकलती है तो उसके स्वरूप को आप देखें, कितना पावन स्वरूप होता है, कितना दिव्य स्वरूप होता है गंगा का। लेकिन जब वही गंगा नीचे नीचे उतरती चली जाती है तो आप देखते हैं कि उसमें बहुत सारी गंदगियां मिलनी शुरू हो जाती हैं, बहुत सारे गंदे नाले उसमें डलने शुरू हो जाते हैं, और गंगा का स्वरूप विकृत होने लगता है। जैसे ही वो गंगा और नीचे आती है तो और गंगा का गंदा स्वरूप हो जाता है, और जब वो गंगा, जब गंगा सागर में जाकर के समुद्र में मिलती है तो वहाँ गंगा गंगा नहीं होती बल्कि गंदा नाला हो जाती है। वो गंदगी जो थी वो गंदगी गंगा की नहीं थी, वो गंदगी तो गंदे नालों की थी, लेकिन वो गंदे नाले गंगा के अंदर मिल गए तो हम गंगा को भी गंदा कहने लग गए। ठीक इसी प्रकार से हमारा सनातन धर्म बिल्कुल पावन है, बिल्कुल पवित्र है। उस सनातन धर्म में जो विदेशी विधर्मी लोगों के द्वारा मिलावट की गई है, उन मिलावट के अंशों को हम उठाते हैं और सनातन धर्म पर आक्षेप करते हैं कि सनातन धर्म में ये लिखा है, सनातन धर्म में वो लिखा है। वास्तव में वो सनातन धर्म का स्वरूप नहीं है, वो गंदगी तो गंदे मानसिकता के लोगों के द्वारा डाली गई है। हम उस गंदगी को भी उजागर करें, और जितना भी प्रक्षेप का अंश हमारे शास्त्रों में, हमारे इतिहास में जितना भी डाला गया है, सारे के सारे अंशों का पर्दाफाश करेंगे, सबको उजागर करेंगे कि किस प्रकार से सनातन धर्म पर समय समय पर कुठाराघात होते रहे।